हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चल आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं मेरे चैनल चहल ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मैं मोटेरा स्टेडियम के अंदर आ गया हूं। आज तीसरा टेस्ट मैच इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच में होने जा रहा है। दोस्तों, चैनल पर बने रहिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मोटेरा स्टेडियम का पूरा अपडेट और बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट्स हैं, सब चीज़ अपडेट होंगी। एक पॉइंट था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि 11 से 1 बजे गेट बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, 2-2.5 बजे तक आराम से एंट्री सबको मिलेगी। तो दोस्तों, चैनल वीडियो अच्छे से देखिए, मज़ा लीजिए, और जो भी नए व्यूवर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें। चलिए, आप पूरा अपडेट इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड टेस्ट मैच। तो दोस्तों, ये गेट नंबर 1 है जहाँ से मैंने एंट्री की है, और गेट नंबर 2 है मोटेरा स्टेडियम का। आपको बाहर जैसे ही मोटेरा स्टेडियम के रोड पर आते हो तो वहाँ पर सब कुछ बंद कर रखा है, गाड़ी वगैरह सब अलाउड नहीं की है, पार्किंग अलग से सोलो रेडी कर दिए हैं, वो वीडियो में मैंने बताई दिया है। तो आप लोगों को जो भी आपकी टिकट के ऊपर मेंशन है गेट नंबर 1 या 2, वहीं से आप एंट्री कर सकते हैं। जिन लोगों को अभी भी टिकट्स वगैरह नहीं मिली है, ये मतलब जो आगे वाले 3rd टेस्ट मैच या 4th टेस्ट मैच का देखना चाहते हैं, तो यह जैसे मोटेरा स्टेडियम के गेट नंबर 1 पे ये बुक माई शो का है, मैंने चैनल पे वीडियो बनाई है, उसमें दिखाया भी है, तो आप यहाँ से अपनी टिकट ले सकते हैं। जिनकी डिलीवर नहीं हुई वो भी यहाँ से ले सकते हैं और मैच का आनंद उठा सकते हैं। सिक्योरिटी चेकिंग, पहले टिकट वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद आप लोग देख सकते हो पीछे की यहाँ पर भी पूरा चेकिंग वगैरह करके ही स्टेडियम के अंदर जाने देते हैं। तो दोस्तों, चेकिंग होने के बाद आपका बारकोड है, जैसे यहाँ पर आगे बारकोड से एंट्री हो जाती है, और उसके बाद आपका जो भी ब्लॉक है ए गेट नंबर 1 या 2 से, उसी हिसाब से आप स्टेडियम के अंदर एंटर कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त ये मोटेरा स्टेडियम का व्यू है, बहुत ही लाजवाब। झंडे वगैरह लेकर के आ सकते हैं आप, उनकी कोई दिक्कत नहीं है मोटेरा स्टेडियम के अंदर, और टी शर्ट्स वगैरह भी आप पहन के आ सकते हैं जो कि बाहर ही मोटेरा स्टेडियम के मिल रहे हैं। दोस्तों, एक्चुअली मेरे जो टिकट है वो गेट नंबर 2 से है, और मैंने जो गेट नंबर 1 है यहाँ से एंट्री कर ली अपनी, जैसे जो भी टिकट उसके ऊपर 1 और 2 सब मेंशन किए रहते हैं। तो अब मेरे को जो गेट नंबर 2 की साइड में वहाँ पर जा रहा हूँ, तो मेरे थोड़ी सी मुझे परेशानी तो उठानी पड़ेगी, इवन मेरा बच्चे को है उनको भी परेशानी उठानी पड़ रही है। चलिए, अभी इधर से जा करके मैं दूसरे गेट नंबर 2 को खोल रहा हूँ। तो बारकोड की स्कैनिंग करके अभी मैं मोटेरा स्टेडियम के अंदर पहुँच गया हूँ, और हमारे गेट नंबर 2 से ये आप लोग देख सकते हो पीछे जो क्लब हाउस भी नज़र आ रहा होगा। चलिए, अभी मोटेरा स्टेडियम के अंदर चलते हैं, अपनी सीट पर पहुँचते हैं। मास्क हटा लो, हटाओ मास्क। कैसा लग रहा है स्टेडियम? अच्छा। मजा आया? अच्छा। चलो अब तो दोस्तों, अभी मोटेरा स्टेडियम में आ गया हूँ मैं, और ये देखिए मेरा बच्चा आइसक्रीम खाता हुआ, और ये आप लोग देख सकते हो सभी खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए यहाँ पर ग्राउंड के अंदर। अजी इंडिया और इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, इधर की साइड में जो इंग्लैंड के हैं, और वो सामने की साइड में रहो तो वो विराट कोहली वगैरह सब उधर ही है। चलिए, अब देखते हैं कितना क्या कंट्रोल कर पाते हैं उनसे, कितना खिलाड़ी है, कितने देख पाते हैं, कितने कैमरे में शूट हो पाते हैं। चलिए, अभी वो भी करते हैं दोस्तों। हाँ, का तो व्यू ही अलग बनता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि हमें सीट कहाँ बुक करनी चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि मोटेरा स्टेडियम के अंदर जो अदानी पवेलियन है, ये वाला जो आप लोगों को जीसीए लिखा दिखाई दे रहा है, ये अदानी पवेलियन है, और उसके जो राइट साइड में इंडिया की टीम बैठती है, और लेफ्ट साइड में जो है वो
अपने इंग्लैंड की टीम बैठती है, तो राइट साइड वाला जो ब्लॉक है वो ए ब्लॉक पड़ता है और लेफ्ट साइड वाला एच ब्लॉक पड़ता है। तो दोस्तों जो सबसे बेस्ट है वो ए और एच पड़ते हैं, जो कि आप टीम को बिल्कुल क्लोज से देख सकते हो। देख सकते हो कि राहुल केएल राहुल यहाँ पर है, दर्शक भी चिल्ला रहे हैं कि केएल राहुल भी अपने प्रैक्टिस करते हुए हैं ग्राउंड के अंदर। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है मैच को देखते हुए। अभी तो जैसे इनका प्रैक्टिस सेशन है, मैच है वो 2:30 बजे शुरू होने जा रहा है, तो यहाँ पर खिलाड़ी हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है मैच को स्टेडियम को देखने के, और पब्लिक इतनी कर रही है क्योंकि बाहर नाश्ता पानी ज़्यादा कर रही पब्लिक, अंदर कम है, इसलिए थोड़ा सा अब आप लोगों को स्टेडियम खाली दिखाई दे रहा होगा। लेकिन सच में मोटेरा स्टेडियम के अंदर जब भी आ रहे हैं तो बहुत ही लाजवाब आनंद मिल रहा है। तो दोस्तों आप लोग मोटेरा स्टेडियम की कहीं बुक कर लीजिए, 300 की बुक कर लीजिए, 400 की या अदानी पवेलियन की, तो लेकिन आपको मोटेरा स्टेडियम का जो व्यू है वो हर तरीके से अच्छा मिला, क्योंकि कम्प्लीटली राउंड शेप है, कोई पिलर अंदर नहीं है। और ये आप लोग सामने देख सकते हो रोहित शर्मा जी प्रैक्टिस करते हुए, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही लाजवाब है, बहुत ज़बरदस्त होटिंग है, लोग चिल्ला रहे हैं अपने फेवरेट खिलाड़ी के नाम पर, जो भी खिलाड़ी नज़र आता है ऑलमोस्ट सभी फेवरेट होते हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों। और ये आप देख सकते हो कि एक फैन जो पूरा का पूरा अपने बॉडी को कलर से किए हुए हैं तिरंगे झंडे के रूप में, और कोई एक धोनी के फैन है वो भी वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बहुत ही लाजवाब स्टेडियम है, ये आप लोग सामने देख सकते हो कि इंडिया की जो टीम है उनका एक तरह से ये बैठने के लिए अरेंजमेंट किया गया है। ये मोटेरा स्टेडियम के बिल्कुल इधर ए ब्लॉक है, वहाँ पर ये बनाया गया है अदानी पवेलियन के साइड में, और यहीं से जो खिलाड़ी हैं वहाँ ग्राउंड के बाहर आते हुए जो सामने आप लोगों को दिखाई दिया वहाँ पर ये खिलाड़ी बैठते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली ये जाते हुए ग्राउंड के अंदर, अभी टॉस होना है इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, तो वो तो आप लोगों को अपडेट है कि टॉस कौन जीता, और पहले बैटिंग इंग्लैंड ने की थी जैसे कि इंग्लैंड ने टॉस जीता था ये, और विराट कोहली को जाते हुए देखते हुए सच में दोस्तों विराट कोहली एक बिल्कुल एक स्टार के रूप में जा रहे हैं मैच टॉस करने के लिए मैच स्टेडियम के अंदर। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये फूड कोर्ट है जो कि पूरे के स्टेडियम में लगे हुए हैं, हर जगह पे पानी की अरेंजमेंट है, छाछ की, पाव भाजी है, बर्गर है, पिज्ज़ा भी है, तो पॉपकॉर्न है, सैंडविच है, तो और स्वीट कॉर्न होते हैं जो से दोस्तों बच्चों के लिए सभी के लिए जो भी अरेंजमेंट होता है। और जो चार्जेज है दोस्तों ये समझ लीजिए कि जैसे अगर आप आइसक्रीम लेते हो तो वो 50 रुपीज़ की है, स्वीट कॉर्न है वो 70 रुपीज़ के हैं, पिज्ज़ा है वो 200 रुपीज़ के आसपास है, और थाली वगैरह भी हैं, बर्गर है वो 100 रुपीज़ का है, सैंडविच है वो 100 रुपीज़ की है, वेज बिरयानी पाव भाजी है ये अगर हम बात करें तो 100 से 150 रुपीज़ की है, मसाला भेला ये भी 100 रुपये की रेंज में है। तो दोस्तों हर तरीके का नाश्ता अवेलेबल है, लेकिन हाँ चार्जेज इन्होंने अच्छे रखे, पानी की बोतल वो 10 रुपये का एक गिलास देते हैं, छाछ वो 30 रुपये का एक गिलास देते हैं, तो सब कुछ अरेंजमेंट है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि स्नैक्स वगैरह के लिए पानी के लिए जैसे छाछ वगैरह जो रहती है मूल की, उसके बाद पाव भाजी है, मैगडी का है, तो हर तरीके के खाने पीने का सामान यहाँ पर अरेंज किया गया है। हाँ वो सब का सब चार्जेबल है, कोई फ्री में नहीं है, तो और बाहर से कुछ ला भी नहीं सकते, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो में आप लोगों को सब बताई दिया था। तो जो भी लोग मोटेरा स्टेडियम के आगे टेस्ट मैचेज और 20 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो खाने पीने का सामान यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। हाँ चार्ज अपने को पेमेंट पे करना है, और जो भी खाना चाहिए आप लोग खा सकते हैं। तो दोस्तों खिलाड़ी हैं इंडिया के, इंग्लैंड के, वो सभी मैदान के अंदर आ गए हैं, और सबसे पहले जैसे कि राष्ट्रगान होता है तो, और यहाँ पर अपने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और अमित शाह जी भी आए थे, तो वो होने के बाद अब मैच शुरू हो गया है दोस्तों।
आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर इंडिया के फील्डिंग लगी हुई है और इंग्लैंड की टीम है वो बैटिंग करने आ चुकी है। अरे रुको भी, रुको। तो दोस्तों इंग्लैंड की टीम बैटिंग करती हुई और इंडिया की टीम है वो फील्डिंग करती हुई बॉलिंग करती हुई। दोस्तों एक चीज़ मुझे सच में आज पहली बार पता लगा क्योंकि मोटेरा स्टेडियम के अंदर ही मेरा पहला मैच है जो मैं किसी कोई इंटरनेशनल मैच इतने बड़े स्टेडियम में देख रहा हूँ, क्योंकि इसमें दोनों साइड से बॉलिंग करते हैं और दोनों साइड से बैटिंग होती है। ये मुझे पहले नहीं मालूम था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर देखा कि दोनों साइड से बैटिंग हो रही है और दोनों साइड से बॉलिंग हो रही है, एक बार उधर से एक बार उधर से, तो ये सच में मेरे लिए एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली। आप सब लोग तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें जानते हो। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ ऊपर के फ्लोर पर, ऊपर के फ्लोर से भी आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ कि मोटेरा स्टेडियम का क्या व्यू बनता है, कैसा नज़ारा दिखता है। तो आप लोग देखिए ये अदानी पवेलियन, पब्लिक वहाँ पर भी काफ़ी बैठी हुई है और ये ऊपर से आप लोग देख सकते खिलाड़ी जो है खेल रहे हैं। बहुत ही लाजवाब स्टेडियम, लाजवाब नज़ारा, बहुत ही मज़ेदार नज़ारा। और ये तो अभी दोस्तों आप लोग डे टाइम का देख रहे हो, नाइट टाइम का जब आप व्यू देखोगे एलईडी लाइट्स के साथ और कैमरे वगैरह का भी, जो चार एलईडी स्क्रीन, तीन छोटे हैं और एक बहुत बड़ी एलईडी स्क्रीन है, उसमें हम जब भी देखते हैं तो सच में बहुत मज़ा आता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे थोड़ा सा लग रहा था दोस्तों, जैसे अब खिलाड़ी हैं हम दूर से देखते हैं तो हमें छोटे छोटे दिखाई देते हैं, पता नहीं लगता कि ये रोहित शर्मा है, ये विराट कोहली है, ये कौन है, लेकिन जब हम एलईडी स्क्रीन पर देखते हैं तो जैसे टीवी के अंदर हमें बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल क्लियरिटी के साथ नज़र आता है, तो वही हमें दिखाई देता है। ये आप लोग देख सकते हो बाहर का पब्लिक है, बहुत ज़्यादा पब्लिक बाहर है स्टेडियम के अंदर कम है। और ये आप लोग फिर से मैं स्टेडियम के अंदर का नज़ारा आप लोग दिखा रहा हूँ, मैं फिर से लोअर फ्लोर पे आ गया हूँ, तो बहुत ही मज़े आ रहा है स्टेडियम के अंदर। टाइम पास कब हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है पता ही नहीं लग रहा है। ये आप लोग देख सकते हो ईशांत शर्मा यहाँ पर फील्डिंग करते हुए, लोग काफ़ी चिल्ला रहे हैं एक बार उधर एक बार इधर। अब क्रिकेट हमने भी खेला है तो सच में बहुत मज़ा आता है और व्यू इतने ज़बरदस्त इतने शानदार है मोटेरा स्टेडियम के, कितना मज़ा आता है मैच देखते हुए। आपका टाइम कब स्पेंड हो जाएगा, कुछ ना कुछ नाश्ता करते रहिए और जैसे ही अब इंटरवल आता है एक तरह से इनको भी रिलैक्स मिलता है, तो उसके बीच में ये खिलाड़ी अपना प्रैक्टिस करते हैं। केएल राहुल जैसे वो रनिंग भी करते हैं यहाँ पर एक टाइमिंग के हिसाब से, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि दोस्तों तिरंगा झंडे के साथ हमारे बच्चे मस्ती करते हुए। और ये हार्दिक पांड्या, एक अलग सा इनका ये बल्ला सा है जिसके ऊपर शॉट मारते हैं, बहुत हाइट तक बॉल जा रही है और ये कैच प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सच में दोस्तों इन्होंने, और कैमरे भी बहुत ही अलग टाइप के कैमरे लगा रखे हैं, एक अलग कैमरे का व्यू भी आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। एक जो कैमरा है यही ग्राउंड के ऊपर घूम रहा है, उसको भी देख के बहुत ही मज़ा आ रहा है। और खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं इनका जो बीच में इनको टाइम मिला है। और हाँ परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो दोस्तों वो बहुत स्लो रही है। ये देखिए मेरा बच्चा मस्ती करता हुआ, ये जालियों के ऊपर चढ़ के इधर से उधर मस्ती कर रहा, घूम रहा है। अब बच्चे हैं वही बात है, सीट के ऊपर बैठ करके फिक्स तो रह नहीं सकते, तो वो भी इधर उधर घूम रहे हैं, खिलाड़ी अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मज़ा आ रहा है दोस्तों, जब भी आप भी मोटेरा स्टेडियम में मैच देखने का प्लानिंग कीजिए। अभी टेस्ट मैच भी चल रहे हैं, उसके बाद एक थर्ड है ये, फिर फोर्थ होना है और आगे 5 T20 मैचेज हैं। तो 20 मैचेज भी एक तो मैं 100% देखने आऊँगा, वो पहला ही होगा कि कौन सा होगा वो मैं अभी बोल नहीं सकता। तो दोस्तों इंग्लैंड की टीम है वो 112 रन पर ऑल आउट हो गई, जो सच में एक बहुत ही कम स्कोर बोला जाएगा, क्योंकि बाउंड्री है वो भी 71 मीटर की ही मोटेरा स्टेडियम के अंदर थी, कोई सिक्सर देखने को भी नहीं मिला, लेकिन मज़ा तो आ ही रहा था। और यह सबसे ऊपर का फ्लोर जहां पर आप लोग देख सकते हो कि मैं मोटेरा स्टेडियम के सबसे ऊपर के फ्लोर पर हूं, ये पीछे मेरे एलईडी स्क्रीन नज़र आ रही है। और ये दोस्तों एक जो धोनी का बहुत बड़ा फ़ैन है, पूरे बॉडी के ऊपर इन्होंने जो इंडिया का जो कलर वगैरह कर रखा है, और अपने लोग काफ़ी चिल्ला रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेशन चलते हुए और उसके बाद जो इंडिया की बैटिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। परफॉर्मेंस वो काफ़ी स्लो रही है, क्योंकि सिक्सर नहीं देखने को मिला, चौके हैं वो कुछ मिले। इंग्लैंड के भी एक ही प्लेयर ने 50 मारी है, और इधर से अगर इंडिया का जैसे ही मैच शुरू होता है तो वो भी एक धीमी शुरुआत ही है, लेकिन टेस्ट मैच है तो धीमे ही होते हैं, क्योंकि सहवाग एक ऐसा प्लेयर था जो टेस्ट को भी वनडे की तरह खेलता था, बाकी के जो प्लेयर हैं वो तो फिर भी मोस्टली स्लो ही खेलते हैं। और स्टेडियम के अंदर अब नाइट हो गई है, व्यू है वो भी लाइटनिंग, डिजिटलाइजेशन एक तरह से स्टार्ट हो गया है। जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो एडवर्टाइजिंग है वो डिजिटल है कि नहीं है, तो दोस्तों आप लोगों को स्टेडियम के अंदर दिखाई दे ही गया होगा
की जो वो भी डिजिटल हैं, लाइट उनमें भी लगाई गई हैं, तो बहुत ही मज़ेदार है। और दोस्तों जैसे कि अगर इतनी पब्लिक है तो बाथरूम वगैरह की, क्योंकि राउंड शेप में है और हर जगह पे बाथरूम की पानी की फैसिलिटी भी यहाँ पर दी गई है, लोग पानी भी पी सकते हैं और चार्ज करके पीना तो वो भी पी सकते हैं। लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अरेंजमेंट है बाथरूम की, वो यहाँ पर की गई है। तो दोस्तों स्टेडियम शानदार है, जो भी लोग आए मज़ा लेके जाएंगे, बहुत ही मज़ा आया, हमारा दिन बहुत ही बढ़िया रहा। और यहाँ पर अब इंडिया की जो बैटिंग है वो स्टार्ट होने जा रही है, और इंडिया की जो बैटिंग के अंदर भी रोहित शर्मा ने 50 मारी है, स्कोर है वो 99 रन पर, 3 रन का स्कोर बना था। और हम लोग थोड़ा सा पहले निकल ही गए थे, जैसा कि मैं आप लोगों को पता लग ही जाएगा, तो जो मैच है वो स्टार्ट हो ही गए हैं, लेकिन मज़ा आ रहा था दोस्तों स्टेडियम के अंदर, बहुत मज़ा आ रहा था। आप लोग ज़रूर आएँ, प्लान करें और स्टेडियम का मज़ा लें। और दोस्तों ये आप लोग देख सकते हो सुपर फोर, जो कि स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, रिप्ले में जैसे दिखाते हैं, टीवी में हम जैसे देखते हैं, बहुत ही शानदार चौका ये शुभम गिल द्वारा मारा गया था। इस इंडिया की भी टीम है वो अच्छे से खेल रही है, बहुत ही 99/3 रन का जो स्कोर अब आज का जो बनाई था, तो मैच है वो अच्छे से चल रहा है, मज़ा आ रहा है देखते हुए। लेकिन सामने देखते तो उतना पता नहीं लगता कि कौन खिलाड़ी है कौन नहीं है, लेकिन स्क्रीन पर देख के फिर भी मज़ा आता ही है साथ में। और दोस्तों इस साउंड पे ध्यान देना, यहाँ पर जो साउंड है वो बहुत ही मज़ेदार है। तो दोस्तों यही है अदानी पवेलियन, जो ऊपर की साइड में है, सामने बिल्कुल सामने की साइड में है, बैटिंग बॉलिंग बिल्कुल अच्छे से दिखाई देती हैं, और यहाँ का जो नज़ारा है वो तो लाजवाब होगा ही, और यहाँ के चार्जेज है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, लेकिन नज़ारा भी ज़बरदस्त। पूरा दोस्तों पूरा दिन हो गया हमें मोटेरा स्टेडियम में घूमते हुए, मैच देखते हुए, इंडिया की जो पारी वो ख़त्म हो चुकी थी, उसके बाद इंडिया की शुरू हो चुकी है और अभी शुभम गिल आउट हो गए हैं, तो अभी हम निकल रहे हैं, मैच अभी भी चल रहा है। सच में बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत मतलब जो शोर हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, कोई भी फेवरेट खिलाड़ी है रोहित को देखते हैं, विराट को देखते हैं, हार्दिक पांड्या हुआ जो भी हुए। चलिए दोस्तों अभी निकलते हैं मोटेरा स्टेडियम से। इस वीडियो में आप लोगों को बाकी अपडेट्स मिल ही गए होंगे, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों निकाल ले भाई, तो दोस्तों हम गेट नंबर 2 से, हम मोटेरा स्टेडियम से बाहर निकल रहे हैं, मैं और मेरे फ्रेंड्स के साथ में, और एक बार बाहर निकलने के बाद दोबारा एंट्री तो है नहीं। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, किसी की कोई भी क्यूरी हो वो कमेंट करके ज़रूर बता दें, आपको जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और चलिए दोस्तों अभी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, वीडियो को शेयर कमेंट जरूर करना, जो भी नए व्यूअर चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे। और मोटेरा स्टेडियम वर्ल्ड का नंबर 1 स्टेडियम है, कैपेसिटी 132,000 होने जानी हो, और नाम भी नरेंद्र मोदी जी चेंज हुआ है, तो वो जो भी